जब हम लोग आपके सभी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख रहे थे, आपने देखा जनवरी से लेकर दिसंबर तक के हम लोगों ने एक एक करके सभी महीने के महत्वपूर्ण दिन देखे थे और दिवस देखे थे। तो उस समय मैंने कहा था कि याद रखिए स्थायी आंकड़े हैं, लेकिन आप देखेंगे कि थीम हमेशा बदलती रहती है। जैसे 2020 की अलग होगी, 2019 की अलग थी, 2021 की अलग होगी, 2022 की अलग होगी। तो याद रखिए हमेशा इनसे क्वेश्चंस बनते रहे हैं आपके। प्रीलिम्स देख लीजिए आप लोग, एमपीपीएससी हो, यूपीएफपीएससी हो, या फिर आपका सिविल सर्विस हो, या फिर आप देखिए कोई भी वनडे एग्जाम देख लीजिए, एसएससी, बैंक, रेलवे, इन सभी में आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाएगा वनडे एग्जाम में कि विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। अगर सिविल सर्विस की बात करें तो पूछ लेगा विश्व शांति के बारे में नीचे दिए गए कथन पर आपको विचार करना है, चार कथन दे देगा कि ये पहली बार कब मनाया गया, 21 दिन मनाया जाता है, इस बार की थीम क्या रही है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, तो बड़े ध्यान से देख लेना है। चलिए देख लेते हैं सभी पॉइंटों को, सभी जगह हम लोग एक तरह से डालते हैं इस पर नजर। विश्व शांति दिवस आप सभी जानते होंगे कि 21 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए 2000 अगर 20 की हम लोग थीम की बात करें तो सेपिंग पीस टुगेदर है। 2020 की थीम क्या है? सेपिंग पीस टुगेदर। और अगर आपसे 2019 की पूछे तो याद बता देना है क्लाइमेट एक्शन फॉर पीस थी 2019 की, 2020 की सिपिंग पीस टुगेदर है। हर साल 21 सितंबर को दुनिया भर में विश्व शांति दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के नागरिकों के बीच शांति बहाल और लोगों के बीच प्यार बना रहे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगा सके। एक तरह से आप सोचिए कोई भी दिवस मनाने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, आप लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरह से दिवस मनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि जागरूक हम लोग कितने जागरूक होते हैं, इसे आप लोग बेहतर जानते हैं। आपको बता दें कि विश्व शांति दिवस को साल 1981 से मनाया जा रहा है। कब? 1981 से। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में इस दिन को मनाने की घोषणा की ताकि तमाम देशों और उनके लोगों के बीच शांति कायम रह सके। साल 1982 से लेकर विश्व शांति दिवस को हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार के दिन मनाया जाता था। बाद में इसे बदलकर 2002 में 21 सितंबर कर दिया गया और 2002 के बाद यह दिवस 21 सितंबर के दिन ही हर साल मनाया जाता है। सफेद कबूतरों को हमेशा से शांति का दूत माना जाता है, इसलिए इस दिन सफेद कबूतरों को उड़ाने की परंपरा भी है। तो याद रखना है आप लोगों को पहली बार कब मनाया गया था, 1981 में। फिर आप देखेंगे 1982 में, 1982 में ये आपका विश्व शांति दिवस हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। अब जो भी डेट पड़ती होगी, समझ रहे हैं। लेकिन 2000 से, सन 2002 से आपका 21 सितंबर एक डेट निर्धारित कर दी गई है। अब देखिए अब कोई मंगलवार का महत्व तो नहीं रह गया उस डेट के लिए, अब 21 सितंबर डेट को ही मनाया जाएगा, ठीक है, फिर चाहे उस दिन कोई भी दिन क्यों ना हो, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि सफेद कबूतरों को उड़ाया जाता है, और आप जानते हैं कि सफेद कबूतर किसके प्रतीक होते हैं, एक तरह से शांति के प्रतीक माना जाता है। तो ये कहानी थी आपकी विश्व शांति दिवस की। यहां आपने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में भी बता देता हूं। वैसे इन सभी संगठनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, बहुत विस्तार से, चाहे आपके राष्ट्रीय संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, सिविल सर्विस, स्टेट, पीसीएस को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बता दिया गया है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। और भी अगर आपके कोई संगठन छूटा हुआ है तो आप बताना, उन्हें भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। और याद रखिए इसमें 193 सदस्य देश हैं, कितने? 193 सदस्य देश हैं। और अभी यानी कि अभी हम लोग 2020 में बैठे हुए हैं, तब इसके जो महासचिव कौन है, श्री एंटोनियो गुटरेस, गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है, पूछ लेता है करंट में।
और आप देखिए क्वेश्चंस पेपर उठा के देखिए, संगठन संगठनों से हमेशा से क्वेश्चंस बनते आए हैं। ऐसा कोई मुझे लगता है एग्जाम नहीं जाता है जो संगठनों के बारे में ना पूछा जाता हो। या तो इनके मुख्यालय पूछ लेगा वन डे एग्जाम में, और कब इसकी स्थापना हुई, अगर आपकी उसमें बात करूं सिविल सर्विस की या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में, तो उसमें आपका तीन चार कथन दे देगा, एक ऊपर लिख देगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में क्या सही है इन कथनों में से, तो इसके मुख्यालय में स्थापना और एक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सब कुछ वहां विस्तार से बता दिया गया है आपका, ठीक है।